वेलकम टू हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी। हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी में सभी किसान भाइयों का स्वागत। आज इस डेट में इस वीडियो में हम बात करेंगे परसिमोन फ्रूट के बारे में। परसिमोन फ्रूट का ट्रीटमेंट कैसा रहता है, ये इंडिया में कहाँ कहाँ हो रहा है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसा है, इसका प्रजाति कौन कौन सा मिलता है, एंड कौन सा फ्रूट जो आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है, एंड सबसे मेन बात जो है इसमें गर्मी वाला इलाका में कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा हो रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो शुरू में हम बात करते हैं परसिमोन फ्रूट का ओरिजिन कहाँ है, मतलब परसिमोन फ्रूट पहले कहाँ उगाया गया था। तो एक्चुअली परसिमोन फ्रूट जो है पहले चाइना में उगाया गया था, पर चाइना में उतना ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट यानी ढंग से खेती ना करने की वजह से जो है चाइना में उतना ज्यादा फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद जो है जापान में इसका फार्मिंग किया गया, ढंग से फार्मिंग किया गया, फिर उसके बाद जापान में काफी ज्यादा परिमाण में इसका फार्मिंग हुआ और साथ ही साथ किसानों का काफी बेनिफिट हुआ है। तो साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इसमें परसिमोन में क्या क्या वैरायटी मिलता है। तो देखिए परसिमोन में दो तरीके का वैरायटी मिलता है, एक होता है आपका हैचिया वैरायटी, दूसरा है आपका फुयो वैरायटी। और साथ ही साथ हम बात करते हैं हैचिया और फुयो में क्या खास बात होता है। जैसे कि हैचिया जो वैरायटी होता है, इस वैरायटी को आप फल को पेड़ से तोड़ने के बाद जो है तुरंत खा नहीं सकते हो, तुरंत खाएंगे तो आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, पूरा प्रॉपर टेस्ट नहीं आता है। तो फ्रूट को पेड़ से हार्वेस्टिंग करने के बाद मिनिमम 10 दिन बाद इसे खा सकते हो और 15 से 20 दिन इसे रखा जा सकता है। तो नॉर्मली अगर आप किसी फ्रूट को, मतलब इस वैरायटी को, परसिमोन को आप बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तब जाके जो है आप हैचिया की फार्मिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ हम बात करते हैं फुयू जो वैरायटी है, इस फुयू वैरायटी का खास बात क्या होता है। फुयू वैरायटी आप तुरंत तोड़ के खा सकते हो, साथ ही साथ अगर आप चाहे 10 दिन बाद खाना चाहते हो तो भी खा सकते हो, ये भी आपको 10 से 15 दिन तक सरवाइव कर जाता है फ्रूट तोड़ने के बाद। तो काफी अच्छा एक वैरायटी है। साथ ही साथ हम बात करते हैं इस फ्रूट का खास बात क्या होता है। तो नॉर्मली पहले आपको बता दिया, नॉर्मली 15 से 20 दिन तक ये सरवाइव कर जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग। साथ ही साथ इस फ्रूट को अगर आप मान के चलो मार्केट में ना बिका हो तो इसे आप ड्राई फ्रूट बना के खा सकते हो या ड्राई फ्रूट बना के बेच सकते हो। एंड सबसे मेन बात होता है ये रोग मुक्त, यानी इसमें कोई रोग नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होता है, और मार्केट का डिमांड काफी अच्छी होता है। आज के डेट में तो इंडिया भर के मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि ये जो परसिमोन है, परसिमोन इंडिया के अंदर किस किस जगह पे सबसे ज्यादा फार्मिंग हो रहा है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फार्मिंग जो हो रहा है हिमाचल, कश्मीर, आपका जो ऊपरी हिस्सा वाला एरिया है जहाँ पर ठंड इलाका है, उसी एरिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। और आज के डेट में इंडिया में फ्यू वैरायटी सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि गर्मी वाला इलाका में कौन सी वैरायटी यानी परसिमोन का कौन सा वैरायटी करना चाहिए, तो गर्मी वाला इलाका के लिए सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट है फ्यू वैरायटी, क्योंकि फ्यू वैरायटी का चिलिंग आउट्स ज्यादा नहीं लगता है और ये गर्मी वाला इलाका में होता है। ये नॉर्मली यूपी, महाराष्ट्र और आज के डेट में अगर बात करें तो हमारे नर्सरी में भी इसका फ्रूट हुआ था, छोटे प्लांट में एकदम एक फ्रूट आया था। तो इसे हम बता सकते हैं कि जो फ्यू वैरायटी है, फ्यू वैरायटी गर्मी वाला इलाका में सक्सेसफुल है। अगर हम बात करते हैं प्लांटेशन का सिस्टम, तो इसे आप पौधा का प्लांटेशन कैसे किया जाएगा, तो पौधे के प्लांटेशन करने के लिए सबसे मेन चीज होता है एक परफेक्ट डिस्टेंस। परफेक्ट डिस्टेंस जब किसी फ्रूट में ना होगा तो उसमें आपको ज्यादा हार्वेस्टिंग नहीं होता है, साथ ही साथ काफी सारे दिक्कत आता है। तो इसे परफेक्ट डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो 10-12 एक परफेक्ट डिस्टेंस होता है इसका। 10-12 आपने डिस्टेंस कर लिया, फिर आपने गड्ढा खुदवा लिया, 2x2 का गड्ढे खुदवाना होता है, फिर गड्ढे में आपने वर्मी कंपोस्ट डाला। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद जो है ऐसे 10-15 दिन छोड़ दो, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है प्लांट को प्लांटेशन कर दो। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फार्मिंग जो हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, और साथ ही साथ जम्मू के कुछ हिस्से में यहाँ पे फार्मिंग हो रहा है। और सबसे मेन बात है इसका मार्केटिंग कहाँ कहाँ होता है। तो मार्केटिंग का जब बात आती है तो मार्केटिंग देखिए आपका नियर बाय जो मंडी होता है यानी सब्जी मंडी या फलों का मंडी होता है, छोटा मंडी या बड़े मंडी, वहाँ पे ले जा सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे से वहाँ पे जो है मार्केट मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका डिमांड काफ़ी अच्छे होने के कारण आपको ज़्यादा रेट में मिल जाएगा। तो रही बात इसका अगर
कि चलो आपको मार्केट में ना बिका हो तो ड्राई फ्रूट कैसे बनाया जाए। तो ड्राई फ्रूट बनाने सिंपल तरीका है, जो वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए फ्रूट को छिला जाता है, जो ऊपर का छिलका होता है उसे निकाला जाता है, पर ऊपर का जो डंठड़ होता है उस डंठड़ को बिना उखाड़े, यानी उस डंठड़ को रखना होता है क्योंकि इसको टांगने के लिए, झुलाने के लिए। तो नॉर्मली डंठड़ को रख के पूरा एकदम ऊपर का हिस्सा जो है, ऊपर का छिलका वाला हिस्सा, वो निकाल दीजिए। निकालने के बाद इसे ऐसे टांग के रख दीजिए, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा आपका मेवा, यानी जो ड्राई फ्रूट होता है वही ड्राई फ्रूट बन जाएगा। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इस फ्रूट का खाने से क्या क्या उपकार होता है। देखिए इस फ्रूट को खाने से तरह तरह के उपकार होता है, साथ ही साथ जो है इसमें काफी बेनिफिट है, काफी विटामिन है। तो इस फ्रूट को नॉर्मली देखिए, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पेट का समस्या दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सूजन को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, और तरह तरह की जो बीमारी है उसे मतलब ये करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो काफी अच्छा एक वैरायटी है। इस वैरायटी को आज के डेट में इंडिया में जैसे हिमाचल कश्मीर वाला उस हिस्से में, जैसे ऊपरी हिस्से में जहां पे ठंड इलाका है वहां पे हो रहा है, और उसी के साथ साथ जो है गर्मी वाला एरिया जो है उस एरिया में फ्यू वैरायटी, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, फ्यू वैरायटी जो है इसी एरिया में काफी अच्छे से हो रहे हैं। काफी साथ ही साथ बात करें तो इसका, जैसे कि आप सोचेंगे कि ये हाई ऑल्टीट्यूड वाला, यानी जहां ठंड इलाका है वहां पे अच्छे से हो रहे, पर हमारा जो एरिया है गर्मी इलाका, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? तो इसका टेस्टिंग के लिए हमारे नर्सरी में एक पौधे लगाए थे जिसमें सक्सेसफुली एक फ्रूट हुआ था एंड काफी टेस्टी भी हुआ था। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि वहां पे जैसे ठंड इलाका में जितना साइज होता है फ्रूट का उतना ही साइज हुआ था, वैसे ही सेम टेस्ट आया था। तो काफी एक अच्छा वैरायटी है। सो वैरायटी को आप फार्मिंग कर सकते हो, अगर आप ढंग से फार्मिंग करेंगे, अगर आप जैसे तरीके से फार्मिंग करेंगे तो इसमें काफी ज्यादा मुनाफा आपको हो जाएगा, साथ ही साथ इससे आप लाखों कमा सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ ऐसा वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को इतना टाइम देके देखने के लिए आपको बहुत बहुत